हाजीपुर जिले के वीर अब्दुल हमीद सेतु के हम पास है। राज सिंह गहमरी की बातें होती थी जब उन्होंने संसद में गाजीपुर जिले की बात को रखा था और एक उनका सपना था कि माता गंगा के ऊपर से ट्रेनें दौड़े। गाजीपुर जिले के विकास पुरुष हम कहें मनोज सिन्हा ने अपने कार्यकाल में इसे करने का मादा दिखाया और ठीक बीच में हम देखें तो लगभग 1700 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है। और इन पटरियों को मैं दिखा रहा हूं, यहां से दौड़ेंगी ट्रेनें और ठीक ऊपर अगर हम कहें तो चार पहिया वाहन दौड़ेंगे। उसके बगल में देखें तो माता गंगा आपको दिख रही है, वहां से जलयान मार्ग से लोगों के लिए काफी सहूलियत रहेगी। मालगाड़ी यहीं से दौड़ी थी और ऊपर अगर हम देखें तो अभी काम चल रहा है। गाजीपुर जिले के लिए बड़ी सौगात थी और हम जानेंगे जब मनोज सिन्हा जी ने उस सपने को बुना। और मैं चाहूंगा यह सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूं। हमारा नाम तिलेंद्र सिंह है और मैं अब देख रहे हैं कि सौगात मिल रहा है। पूर्व सांसद जो हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी थे उनके प्रयासों के द्वारा काफी करीब से आप लोगों ने मनोज सिन्हा जी को देखा, बातें भी होती हैं। अगर मैं जानूं वो सपना जो देखा था आज पटल पे, किसी की आंखों को विश्वास नहीं था कि ये हो पाएगा। दिखाते हैं आपको विकास का सपना, देखिए माँ गंगा आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पहले से ही अभी चल रहा है नितिन गडकरी से जलयान चल रहा है। नीचे से उतर के देखे ये रेलवे की पटरी, जो नया मार्ग खुलने जा रहा है विकास का, ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से देखिए काम चल रहा है जो अब चलने वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर सड़क मार्ग से जो दूर जाएगा आपका कलकत्ता से लेके बंगाल से लेके कहीं भी अपने जाएगी, नई कनेक्टिविटी शुरू हो जा रही है। बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे आज मनोज सिन्हा जी हमारे यहाँ नहीं है, वरना और भी यहाँ हमारा पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से अगर वो सांसद होते तो हवाई जहाज से भी हम दुनिया के कोने में भी जा सकते थे। इंडिया को तो छोड़ दीजिए, उनका इतना बड़ा क्रेज है और विकास पुरुष है वो, उनके न रहने से यहाँ पे विकास की गति रुक गई है। फिर भी उनके प्रयास से देखिए अभी काम चल रहा है और लगातार बहुत जल्द हमको विश्वास है कि 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर ये पैसेंजर ट्रेन भी दौड़ने लगेगी। मालगाड़ी तो अभी चली रही है। मनोज सिन्हा जी जो की गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में लगातार जो काम हुए जनपद ने देखा और दोस्तों एक ईमानदार छवि मनोज सिन्हा जी की आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर सुशोभित है, आसीन है, लेकिन जनपद आज भी चाहता है कि मनोज सिन्हा जी आए। अरे एकदम हम चाहते हैं कि फिर मनोज सिन्हा जी यहाँ से फिर अगले चुनाव में आवे, चुनाव लड़े। कि जो गति रुकी पड़ी है धीमी गति से चल रही है, ये युद्ध गति से शुरू होकर गाजीपुर विकास के मार्ग में गाजीपुर में विश्व पटल पर एक स्थान बनावे। सही कहा इन्होंने दोस्तों, जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को धरातल पे मनोज सिन्हा जी ने साबित कर दिया और माता गंगा से कई किलोमीटर दूर तक ये ट्रैक की जो सीधी तस्वीर है मैं इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। मेरे ऊपर देखें तो अभी विकास के कार्य चल रहे हैं, ऊपर का भी लगभग कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन जनपद फिर एक बार, मैंने बात भी की मनोज सिन्हा जी को, चाहता है कि मनोज सिन्हा जी एक बार जरूर आए। मैंने भैया से बात भी की, इन्होंने बताया कि दिसंबर में हो सकता है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर आएंगे और यहां से उसका उद्घाटन करेंगे। और ये गाजीपुर के लिए बड़ी सौगात है, मनोज सिन्हा जी ने जो कर दिखाया उस क्षण को ये जिला, ये क्षेत्र, यहाँ के लोग जी रहे हैं। ये गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद सेतु से 1700 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट जिसे मनोज सिन्हा ने उस स्वप्न को साबित कर दिया और आज गाजीपुर विकास के रथ पर सवार है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।